हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ, कुछ डीआईवाईज, कुछ होम रेमेडीज के साथ। तो जैसे कि समर स्टार्ट हो गए हैं, विंटर चली गई है, क्या आप भी पसीने की बदबू से परेशान हैं? क्या आपको भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आप महंगे महंगे परफ्यूम यूज़ करते हैं, उसके बावजूद आप पसीने की स्मेल से छुटकारा नहीं मिलता आपको? दिन भर में सुबह जब आपने परफ्यूम यूज़ किया, उसके बाद एक दो घंटे बाद आप वैसे का वैसा, और पसीने की बदबू और परफ्यूम दोनों मिक्स होकर एक नई खुशबू इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी स्मेल और ज़्यादा गंदी लगती है। तो आज मैं ऐसी ही होम रेमेडीज लेकर आई हूँ। तो आप भी अगर परेशान है पसीने की बदबू से, तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज अगर वीडियो थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगे, रेमेडीज हेल्पफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप भी पसीने की बदबू से परेशान हैं? तो मैं हाजिर हूँ पांच ऐसी होम रेमेडीज लेकर, जिनके इस्तेमाल से आपके पसीने की दुर्गंध जो है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके अंडर आर्म्स में कालापन है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली जो रेमेडी है वो ये है लेमन। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है लेमन। इसको आपको क्या करना है, जब आप नहाने जा रहे होते हो तो आपको अपने नहाने की बाल्टी में इसका सारा जूस निकाल देना है। एक लेमन, हाफ लेमन ले लीजिए, और इसका छिलका भी फेंकना नहीं है, इसको भी आपको उसी में डाल देना है। उसके बाद 5 मिनट के बाद आप उसी पानी से नहा लीजिए। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपके पसीने की बदबू खत्म हो जाएगी। हमारा सेकेंड चीज, आपको लेना है मिंट, यानी कि पुदीने की पत्तियां। पुदीने की पत्तियों को तोड़कर आप उनको अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद उसको इस तरीके से मसल कर अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए, और 5 मिनट बाद उस पानी से आप नहा लीजिए। आपके पसीने की बदबू तो जाएगी, साथ ही साथ दिन भर आपको फ्रेश फील होगा, ठंडक मिलेगी, और इस गर्मियों में तो ठंडक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो टिप नंबर 3, जब भी आप नहाने जाएं, आपको रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर पानी में डालिए और उसके बाद उसी पानी से आप नहा लीजिए। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप गुलाब की, नेचुरल गुलाब की पत्तियाँ भी पानी में डाल सकते हैं और उससे आप नहा लीजिए। आपके पसीने की बदबू तो जाएगी, साथ ही साथ आपको दिन भर ताजगी फील होगी, और आपका शरीर जो है वो महकता रहेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई डिओड्रेंट आपने यूज किया हो। मेरी 4th रेमेडी है, मेरा टिप नंबर 4 है, आपको लेना है एक कटोरी में दही, और उसमें डालना है 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब बेसन। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप पूरी बॉडी में लगा लीजिए और फिर थोड़ी देर बाद नहा लीजिए। इससे क्या होगा, आपका अंडर आर्म्स का कालापन तो दूर होगा ही, साथ ही साथ पसीने की बदबू भी खत्म हो जाएगी। इसे आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज करना है पूरे समर्स में। टिप नंबर 5, आपको संतरा, ऑरेंज के छिलके लेने हैं। आप चाहें तो उसे सुखाकर रख सकते हैं, या ऐसे भी अगर आपके पास हैं तो आप उसको पानी में डाल दीजिए, नहाने के पानी में, और उसके बाद उससे नहाइए। उससे क्या होगा कि आपको फ्रेशनेस होगा, साथ ही साथ आपके पसीने की बदबू भी दूर हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा फिटकरी, यानी कि एलम। फिटकरी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कहीं कट गया है तो आप फिटकरी लगा सकते हैं, आपको इरिटेशन है तो वहाँ फिटकरी बहुत हेल्पफुल होती है आपके स्किन के लिए, झाइयों के लिए। तो आपने फिटकरी को क्या करना है, आपको फिटकरी को भी आपके नहाने के पानी में डाल देना है, या आप चाहें तो आप फिटकरी को ऐसे ही रब कर सकते हैं। आप अपने अंडर आर्म्स पे जहाँ भी आपको पसीना आता है, आप फिटकरी को रब कर लीजिए, थोड़ी देर रहने दीजिए, उसके बाद आप नहा लीजिए, सूख जाने दीजिए, उसके बाद नहा लीजिए। या दूसरा चीज़ है कि आप नहाने के बाद भी फिटकरी को ऐसे ही रब करके छोड़ दीजिए और ऐसे ही रहने दीजिए पूरे दिन। आप देखेंगे कि आपके अंडर आर्म्स का कालापन दूर हो गया है, अगर गले वगैरह में कहीं भी कालापन है तो वो भी दूर हो जाएगा, और जितने भी पसीने की दुर्गंध है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपके शरीर से दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। तो ये मैंने 5 बोले थे, यहाँ पे 6 होम रेमेडीज मैंने बताई हैं आपको। आपको जो यूजफुल लगता है वो आप यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान हो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे ब्रांड का परफ्यूम यूज करें, क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी देर ही रहेगी, आपके पसीने की बदबू को नहीं खत्म करेगी।
तो आप ये होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।